विभिन्न भाषाओं के साथ विभिन्न धर्मों का देश माना जाता है और इसकी यही खासियत सबको अनेकता में एकता का संदेश देती है। लेकिन लगता है कि भारत की इसी खासियत को किसी की नज़र लग गई है। ऐसा ही एक मामला साइबर सिटी गुरुग्राम से सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने जबरन एक मुस्लिम लड़के की दाढ़ी ही कटवा डाली। घटना गुरुग्राम के सेक्टर 37 इलाके का है, जहां तीन लोगों ने एक मुस्लिम युवक को पकड़ लिया और उसके साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, इन युवकों ने मुस्लिम युवक की दाढ़ी देखकर उस पर पाकिस्तानी होने की टिप्पणी की और उसे जबरदस्ती एक नाई की दुकान पर ले गए। हालांकि नाई ने दाढ़ी काटने से मना कर दिया, जिस पर युवकों का गुस्सा नाई पर फूट पड़ा और उन्होंने नाई की भी पिटाई कर डाली। हाथ तो तब हो गई जब उन गुंडों ने युवक को दुकान में रखी सिर से बांधकर उसकी मर्जी के बिना नाई से जबरदस्ती उसकी दाढ़ी कटवा दी। पीड़ित युवक और उसके समुदाय के लोगों ने इस मामले की शिकायत पुलिस को देते हुए न्याय की मांग की। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। जैसे ही ये मामला मीडिया में आया तो आनंद फानन में पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सोचने वाली बात यहाँ ये है कि किसी को भी अपने धर्म के अनुसार रहने की इजाज़त है और किसी की भी मर्जी के खिलाफ उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना ना तो इंसानियत के लिहाज से सही है और ना ही कानून की दृष्टि से ही इसे उचित समझा जा सकता है। तो पहले आउटलाइटली मतलब युवकों का मामला नहीं है, एक युवक का मामला है। 31 तारीख की घटना है, ये दो दिन पहले की, जब खानसा मंडी के अंदर एक सलून पे जो विक्टिम है ये अपनी कटिंग कराने के लिए आया था, तो वहाँ पे जो दो अन्य लड़के जो वेट कर रहे थे उनके बाद इनका जल्दी कराने के चक्कर में दोनों का आपस में झगड़ा हुआ। तो जो दो लड़के थे उन्होंने और जो उस सलून का ऑपरेटर है, जो बार्बर है वहाँ पे, वो उसका नाम इखलास है, वो स्वयं मुस्लिम जाति को बिलोंग करता है, इन तीनों ने मिलकर उस झगड़े के तहत उस लड़के के साथ इस कार्य को अंजाम दिया है। पुलिस को कल इसकी सूचना मिली थी, सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने इसमें FIR रेलिवेंट सेक्शन के अंदर दर्ज की। FIR दर्ज करने बाद तीनों आरोपी, जो दो लड़के जिनके साथ झगड़ा हुआ और एक जो बार्बर था, इन तीनों को पुलिस की तरफ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आज उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेगी और जल्द से जल्द इस घटना में चालान कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। तो फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ, ये एक आइसोलेटेड घटना है, इस घटना को किसी तरह से कोई और एंगल ना दिया जाए। इसमें एक पहलू ये भी है कि जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस आरोपी के द्वारा इसमें एक्चुअल घटना में उसकी शेव की गई है, वो स्वयं मुस्लिम जाति से बिलोंग करता है। इनमें से एक दो लड़के जो वहाँ पे बतौर कस्टमर आए हुए थे और एक जो उस सैलून का ऑपरेटर है उसका नाम इखलाक है, इन तीनों को इसमें अरेस्ट कर लिया गया है। तो कल सूचना बाद उनका मेडिकल में वो चीज़ हमारे सामने नहीं आई है। हमने जैसे पुलिस को सूचना मिली तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन दोनों लड़कों को और आज सुबह उस बार्बर को अरेस्ट कर दिया।